स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करें क्लास 9th का चैप्टर 3rd पॉवर्टी एज ए चैलेंज इकोनॉमिक्स बुक से। तो चैप्टर का नाम है हमारा पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि निर्धनता है वो एक चुनौती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और ये सबसे बड़ी समस्या भी है। तो दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। ये जो चैप्टर है ना, ये संबंधित है उस एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि हमारे आज़ाद भारत के सामने जो चुनौतियाँ थी उनमें से एक है। आफ्टर डिस्कसिंग द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कसिस द प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स। तो ये चैप्टर ना एग्जाम्पल के थ्रू उनके ऊपर डिस्कस करेगा, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है यहाँ पे। द चैप्टर डिस्कसिस द वे प्रॉपर पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेज। तो सामाजिक साइंस में देखेंगे कि पॉवर्टी को कैसे देखा जाता है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी का ट्रेंड्स क्या है इंडिया में और वर्ल्ड के द्वारा हम उदाहरण के तौर पर पॉवर्टी लाइन को, कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। कोजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि पॉवर्टी के, यानी कि निर्धनता के कारण और साथ ही साथ में निर्धनता विरोधी जो उपाय है या कदम है जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। और ये चैप्टर एंड होगा ब्रॉडनिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट को विस्तार से डिस्कस करने के बाद पॉवर्टी है और ह्यूमन पॉवर्टी और मानव निर्धनता क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हम डेली रोज़मर्रा के जीवन में हमें ना ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे सामने आ जाते हैं जिनको हम मानते हैं कि वो क्या है, पुअर है, यानी कि गरीब है। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर इन द विलेज, वो या तो गांव में भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं, या पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़, या फिर शहरों में बड़ी बड़ी झुग्गियों में रहने वाले, भीड़ भाड़ वाले झुग्गियों में रहने वाले लोग हो सकते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट, वो या तो है ना कहीं पर भी निर्माण वाली जगह पे, या तो वो वर्कर हो सकते हैं काम करने वाले मजदूरी पे, या फिर चाइल्ड वर्कर इन ढाबाज, या फिर ढाबों में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बैगर, वो बैगर भी हो सकते हैं, विद चिल्ड्रन इन टैटर्स, या फिर फटे पुराने कपड़ों के साथ बच्चों के साथ भीख मांगने बैगर्स भी हो सकते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, तो इस प्रकार हम अपने चारों ओर देखते हैं गरीबी। इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, ये फैक्ट है ना, आपको लगेगा तो बड़ा ही ज़्यादा कड़वा, लेकिन ये सच्चाई है। इंडिया में ना एवरी फोर्थ पर्सन, हर चौथा जो व्यक्ति है इंडिया में वो क्या है, पुअर है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन, यानी कि 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी, यानी कि वो क्या है, पॉवर्टी में जी रहे हैं। 2011 की और 12 का डेटा है ये। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन इंडिया। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा क्या है, केंद्र है गरीब लोगों का वर्ल्ड में। दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और यही हमें शो करता है कि यह जो चुनौती है कितनी गंभीर है। टू टिपिकल केसेज ऑफ पॉवर्टी, अब पॉवर्टी को देखेंगे हम दो अलग अलग आयामों से। पहला है अर्बन केसेज, यानी कि शहरी क्षेत्र में। 33-year-old राम शरण, एक 33 साल का व्यक्ति है जिसका नाम है राम शरण, वर्क एज ए डेली वेज लेबर इन द वीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। झारखंड में एक वीट फ्लोर मिल है जहाँ पे वो एज ए डेली वेज लेबर काम करता है। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 अ मंथ, यानी कि वो 1500 महीने के कमा लेता है। व्हेन ही फाइंड्स
एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन, यानी कि जब भी उसको रोज़गार मिल जाता है तो वो कम से कम 1500 रुपये महीने कमा लेता है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ सिक्स, यानी कि उसकी फैमिली में जो सेट 6 मेंबर हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं है। दैट इंक्लूड हिज, उसके 6 मेंबर कौन कौन है, जिसमें एक उसकी वाइफ है, 4 चिल्ड्रन है और एज्ड बिटवीन 12 ईयर ऑफ 6 मंथ एंड ही हैज़ टू सेंड मनी, इनके 4 बच्चे, 1 वाइफ और 1 वो खुद। उन 6 लोगों के लिए, उसके लिए जो ये मजदूरी उसने कमाई है 1500 रुपये, वो पर्याप्त नहीं है। और ये भी उसको डेली के नहीं मिल रहे, ये भी बात है, रोज़गार उसको हर रोज़ नहीं मिलता, ये तो जब है, जब उसको रोज़गार रेगुलर मिल जाता है तो। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज नियर रामगढ़, और उसे उसके गांव में उसके बूढ़े माता पिता रहते हैं, उनके पास ही पैसे भेजने होते हैं। हिज फादर अ लैंडलेस लेबरर, उसका पिताजी क्या है, एक भूमिहीन मजदूर है, डिपेंड ऑन रामशरण, जो कि रामशरण के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर रहे हैं। एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग फॉर सस्टेनेंस, और उसका जो भाई है वो हजारीबाग रहता है। रामशरण लिव्स इन ए 1 रूम रेंटेड हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती, रामशरण जो कि एक शहर में किराए के एक कमरे में रहता है। इट इज़ टेम्परेरी सेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, ये क्या है, एक क्ले टाइल यानी कि मिट्टी के टाइलों से बना हुआ एक छोटा सा क्वार्टर, जैसे क्वार्टर होते हैं ना, ऐसा क्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। हिज वाइफ सुनीता देवी वर्क एज ए पार्ट टाइम मेड, और उसकी वाइफ जो सुनीता देवी वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम मेड का काम करते हैं इन ए फ्यू हाउसेज, कुछ घरों में। एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर 800, जिससे कि वो भी 800 रुपये कमा लेती है, मैनेज कर लेती है। दे मैनेज ए मियागरी मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे, और जिससे कि वो थोड़ा बहुत दाल और चावल का जो उनका खाना है वो मैनेज कर पाते हैं 2 टाइम का। बट देर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, और उन सब के लिए वो पर्याप्त नहीं है। हिज एल्डर सन वर्क एज ए हेल्पर इन ए टी शॉप, और उसका जो बड़ा बेटा है वो टी शॉप में काम करता है टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न अनदर 300 रुपीज, जो कि फैमिली को पूरा करने के लिए, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो भी 300 रुपये और कमा लेता। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक केयर ऑफ यंगर सिबलिंग, वहीं उसकी 10 साल की जो बेटी है वो बाकी बच्चों को ध्यान रखते हैं, छोटे बच्चों को अपने छोटे भाई बहन है ना उनके ध्यान रखते हैं। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, अब उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता। दे है ओनली 2 pairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ की चीज़, उनके पास केवल 2 ही pair है कपड़ों के। न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली वैन द ओल्ड क्लोथ बिकम अनबियरेबल, और नए कपड़े उनके लिए तभी आते हैं जब वो पुराने कपड़ों से पहनने लायक ही नहीं रहे। शूज़ आर लग्जरी, और जूते तो उनके लिए क्या है, लग्जरी सामान है। एंड द यंगर किड्स आर अंडर नरिश, और जो छोटे बच्चे हैं उनका भी पोषण अच्छे से नहीं हो पाया है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर वैन दे फॉल इल, और वो किसी हेल्थ केयर में भी नहीं जा सकते जब वो बीमार पड़ते हैं तो। तो यह है स्टोरी ऑफ रामशरण, ठीक है, ये पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है पूरी तरह से। वहीं दूसरी ओर रूरल केसेस में क्या होता है, लाखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव में रहता है। हिज फैमिली डजंट ऑन एनी लैंड, उसकी फैमिली के पास उसकी खुद की कोई ज़मीन नहीं है। सो दे डू ओड जॉब्स फॉर बिग फैमिली, तो फार्मर, तो उन्हें बड़े किसानों के लिए काम करना पड़ता है, यानी कि एज ए मजदूर काम करता है। वर्क इज इरेटिक, और काम उनका है ना लगातार नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है, इरेटिक का मतलब कभी कभार। सो इज इनकम, तो इनकम भी उसकी इरेटिक है, इनकम भी कभी कभार ही होती है। एट टाइम्स दे गेट पेड RS 50 फॉर ए हार्ड डे वर्क, और दिन के पूरे वर्क के बाद उनको 50 रुपये मिलते हैं। बट ऑफन इट इज़ काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉलिंग इन द फार्म थ्रू द डे, और कई बार क्या होता है उनको कुछ किलोग्राम का
अनाज मिल जाता है, दाल मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है फॉर टॉयलिंग इन द फार्म, यानी खेत में काम करने से, ठीक है। द फैमिली ऑफ एट कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील अ डे, यानी कि आठ लोगों की इसकी फैमिली है जो कि मैनेज नहीं हो पाता उनके लिए भी दो वक्त का खाना, ठीक है। टू स्क्वायर मील का मतलब दो वक्त का खाना। लाखा लेजी ने कच्चा हट ऑन आउटस्कर्ट ऑफ विलेज, और गांव के बाहरी क्षेत्र में वो भी एक कच्चे से मकान में रहता है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर, और जो उस घर की औरतें हैं उसके घर के लाखा के, वो काम करती है चॉपिंग फोडर यानी कि चारा काटने का, एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स, या फिर खेतों में वो क्या करते हैं फायरवुड को कलेक्ट करते हैं। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, उसके पिताजी को टीबी हुआ है, पास्ड अवे टू ईयर्स अगो, जो कि दो साल पहले मर गया था ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, जो कि दवाइयों की कमी की वजह से। हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम सेम डिजीज, अब उसकी मदर को भी वही सेम डिजीज है, एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, और इस प्रकार उसकी ज़िंदगी भी धीरे धीरे जा रही है। ऑल्दो द विलेज हैज ए प्राइमरी स्कूल, हालांकि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, लाखा नेवर वेंट देयर, लेकिन लाखा वहां पे नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old, जब वो 10 साल का हुआ था तभी से उसने काम करना शुरू कर दिया था। न्यू क्लोथ हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर्स, और नए कपड़े तो कुछ सालों के बाद ही आते हैं उनके पास। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर दी फैमिली, और वहाँ पे साबुन और तेल भी उन लोगों के लिए क्या है लग्जरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दो उदाहरण है हमारे, एक तो गांव का दे दिया मैंने और एक हमने यहाँ सिटी का शहर का पढ़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉवर्टी क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी हम कल इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।